वेलकम टू अच्छे दिन। कलर्स टीवी की अपने फेमस सीरियल फुलवा से लाइम लाइट में आने वाली जन्नत जुबेर रहमानी आज टेलीविजन इंडस्ट्रीज की मोस्ट ट्रेंडिंग हॉट व सेक्सी सेलिब्रिटीज में से एक हैं, जिन्हें बॉलीवुड फिल्म लव का दी एंड में श्रद्धा कपूर के साथ देखा जाने के बाद इसकी में रानी मुखर्जी के साथ देखा गया। इस वीडियो में हम आपको जन्नत जुबेर से जुड़ी कुछ ऐसी वास्तविकताएं बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो आपसे विनती कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। अर्ली लाइफ। मुंबई से बिलोंग करने वाली जन्नत जुबेर एक ट्रेंड एक्टर सेम सिंगर हैं। बचपन से ही एयर होस्टेस का ड्रीम रखने वाली डांसिंग व साइकिलिंग की शौकीन जन्नत की फैमिली के फिल्म इंडस्ट्री से संबंध होने की वजह से उन्हें डांसिंग व एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग में ट्रेंड किया गया। स्कूलिंग के चलते दोनों चीजें जन्नत की हॉबी बन गई। जन्नत ने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कांदिवली वेस्ट मुंबई से स्कूलिंग के दौरान बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग स्टार्ट की। मॉडलिंग। जन्नत जुबेर ने बहुत छोटी उम्र से मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने स्कूलिंग के साथ साथ एयरटेल, डाबर आंवला हेयर ऑयल, गोदरेज शैम्पू, हीरो स्कूटर, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट जैसे कई टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट के साथ काम कर लाइमलाइट में आई। परिणाम स्वरूप छोटे पर्दे के कई प्रोड्यूसर्स ने उनके टैलेंट को देखा व उन्हें सीरियल में रोल की पेशकश की। सक्सेस एंड फेलियर। स्टार वन के सीरियल दिल मिल गए को देखने के बाद से ही जन्नत को कई टेलीविजन सीरियल ऑफर होने लगे और उन्होंने 2010 में अमेजन टीवी के साथ काशी अपना रहे तेरा, कागज कोरा और मिट्टी की बन्नू जैसे सीरियल भी किए। मगर कलर टीवी के सीरियल फुलवा ने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। उनके यंग फुलवा के रोल को इतना पसंद किया गया कि जन्नत अब इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज की हाईएस्ट पेड स्टार किड बन गई एवं उन्हें इंडियन टेली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मगर इसके बाद अगले कुछ सालों तक उन्होंने जी टीवी, लाइफ ओके और डिज्नी जैसे टीवी चैनल के साथ कई सीरियल किए मगर उनका कोई भी शो इतना सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उन्हें कलर टीवी के सीरियल तू आस्की में देखा गया तो उनका करियर एक बार फिर चल पड़ा। उस शो की परफॉर्मेंस के सक्सेस को देखकर उन्हें गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा जाने लगा। जन्नत का मानना है कि सक्सेस एंड फेलियर लाइफ का एक पार्ट है जो हर किसी के साथ होता है। रिलेशनशिप। टेलीविजन इंडस्ट्रीज में रूमर्स आना शुरू हुए कि जन्नत टिकटॉक स्टार फैजल को डेट कर रही है। दोनों ने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज तो नहीं किया मगर दोनों को हर जगह साथ साथ देखा जाने लगा और दोनों हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट के अनुसार जन्नत का कहना है कि फैजू उनके बेस्ट फ्रेंड एवं सह कलाकार है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कंट्रोवर्सीज। अपनी लव लाइफ टेंट्रम और हॉट व सेक्सी कंटेंट की वजह से हर सेलिब्रिटी न्यूज में बनी रहती है और वैसा ही जन्नत के करियर में भी हुआ जब सीरियल तू आस्की की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ रिलेशनशिप सीन्स करने के लिए कहा गया मगर जन्नत ने इनकार कर दिया कि वह इसके लिए तैयार नहीं है और न ही इतनी छोटी उम्र में सुटेबल है। उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया मगर ये मैटर उस समय सीरियस हो गया जब शो के प्रोड्यूसर ने सीरियल में उनके रिप्लेसमेंट के लिए ऑडिशन लेना स्टार्ट कर दिया। फाइनली समय रहते इस इश्यूज को आखिरकार सॉल्व कर लिया गया जब शो के प्रोड्यूसर्स उनके साथ लिमिट के बाहर कोई भी सीन नहीं करने के लिए सहमत हुए। इस तरह मीनिंगलेस कंट्रोवर्सी को खत्म किया गया। अपीलिंग पर्सनैलिटीज। जन्नत जुबेर रहमानी टेलीविजन इंडस्ट्रीज में यंग व हॉट पर्सनैलिटी है। उनकी बातचीत में हमेशा नवीनता और समझदारी झलकती है। अपनी स्वतंत्रता से प्यार करने वाली जन्नत जुबेर को फैशनेबल कपड़े पहनना बेहद पसंद है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोगों को इंस्पायर करने की उनके अंदर अपार क्षमता है। उनका तेज और उदार दिमाग एवं फ्लेक्सिबल और आकर्षक बॉडी उन्हें निर्णय लेने में सहायक है जो लोगों को आकर्षित करता है। लोग उन्हें अप्रत्याशित साहसिक एक्ट्रेस के रूप में एक उम्मीद की नजरों से देखते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स एवं यूट्यूब पर 18 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर व टिकटॉक पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इस बात का प्रमाण है कि उनकी पॉपुलैरिटी सातवें आसमान पर है। इस प्रकार उनकी पर्सनैलिटी उन्हें एक कंप्लीट मल्टी टैलेंटेड सेलेब बनाती है। इंस्पिरेशन। जन्नत जुबेर अपने फादर से बेहद इंस्पायर है। उनका मानना है कि मेरे डैड मेरे पहले बॉस है और रहेंगे जिन्होंने मुझे एक्ट्रेस बनने के लिए हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि वह मेरे डैड ही नहीं बल्कि मेरे मेंटर, मोटिवेटर और फ्रेंड्स भी हैं। मेरी उनके साथ बहुत मजबूत रिलेशनशिप है जिसका मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ। फिटनेस एंड ब्यूटी सीक्रेट। टेलीविजन इंडस्ट्रीज की यंग एंड सेक्सी एक्ट्रेस जन्नत जुबेर अपने फिटनेस का विशेष ख्याल रखती है। वह अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जिम में रेगुलर कार्डियो, लॉन्ग ट्रेडमिल वॉकिंग और लाइट वेट वर्कआउट एवं योगा करती है और डाइट का पूरा ख्याल रखती है जिससे उन्हें स्लिम ट्रिम रहने में बेनिफिट मिलता है। परिणाम स्वरूप लाखों फैंस उनके फिटनेस के दीवाने हैं। बैक स्टोरीज। बचपन से ही खूबसूरत बेबी 18 वर्षीय जन्नत जुबेर का जन्म 29 अगस्त 2002 को मुंबई इंडिया में हुआ जिनके फैमिली रूट बॉलीवुड से हैं। उनके फादर जुबेर अहमद रहमानी एक एक्टर जबकि मदर नाजनीन रहमानी व ब्रदर अयान जुबेर रहमानी एक चाइल्ड आर्टिस्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो का अंत हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताएं। ऐसी और भी दिलचस्प व इंटरटेन
एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस एंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।